उस बेटी का को इंसाफ मिले और बेटियों को एक सुरक्षा मिले। बेटी सबकी होती है, बेटी को किसी एक परिवार में बांध करके नहीं देखा जा सकता। डेली बच्ची जाती थी पढ़ने के लिए, हमें लगता है कि इन्हें माध्यम से कुछ जानकारी आपको होगी, पढ़ने के लिए जाती थी, उधर से जो आने का समय होता है नहीं आई तो घर से कॉल गया कि बच्ची अभी तक नहीं आई। तो हम लोगों ने खोज शुरू की, पुलिस को खबर की और अगले दिन जो है सो 15 तारीख को डेड बॉडी वहीं में मिला। अभी हम पहुंच चुके हैं वैशाली जिला के करनौती गांव में और ये वही करनौती गांव है जहां पर मासूम सुप्रिया को 14 तारीख को दरिंदों ने जिस तरह से बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी, उनके घर पे आ चुके हैं और उनके पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इन उस मासूम सुप्रिया के पिताजी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे साफ तौर पे। हालांकि कुछ शब्द नहीं है जो हम इनसे बात करें, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। डेली बच्ची जाती थी पढ़ने के लिए, हमें लगता है कि इन्हें माध्यम से कुछ जानकारी आपको होगी, पढ़ने के लिए जाती थी, उधर से जो आने का समय होता है नहीं आई तो घर से कॉल गया कि बच्ची अभी तक नहीं आई। तो हम लोगों ने खोज शुरू की, पुलिस को खबर की और अगले दिन जो है सो 15 तारीख को डेड बॉडी वहीं में मिला। कैसे पता चला कि डेड बॉडी वहाँ है? गांव की कुछ महिलाएं जो जाती है, अब किस कारण से वो घास उस काटने गई या कुछ भी, तो चूँकि इसके खो जाने के बारे में तो धीरे धीरे सूचन हो गया था, कानो कान खबर, तो गांव की एक महिला हमारे गांव के एक क्विक हैं नागेंद्र जी, उनको कॉल की, उनको कहेंगे कि हो से हम देख लिया ऐसे ऐसे। आज एक बताया जा रहा है कि इस घटना के एक दोषी भी गिरफ्तार हुए हैं। अब इसकी पुष्टि तो शासन ही कर सकते हैं कि वो दोषी है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है। हजारों की संख्या में लगभग आपके लोग वहाँ पे मौजूद थे, उसकी पिटाई भी लगभग हुई है। जी हाँ, लेकिन अभी संदर्भ में हम विशेष कुछ नहीं कह सकते, चूँकि ये तो अब जब तक आरोपित है, दोषी है कि नहीं है ये हम विशेष नहीं कि ये सिद्ध करना, तो अब ये फिर ये चीज़ तो वक्तव्य देना उनका काम है। पुलिस की अब तक की रवैया पर क्या कुछ कहना है? थोड़ा सा शुरुआत में उनके रवैया से थोड़ा असंतुष्ट रहे हैं और कभी लगा कि वो कहीं पे ठीक हैं, कहीं पे लगा कि कहीं कमज़ोर हैं, मतलब या फिर हो सकता है कि मैं एक व्यथित व्यक्ति हूँ, वो ठीक ही जा रहे होंगे, मुझे कहीं कहीं लगता होगा क्योंकि कहीं कहीं ढील है। लेकिन एसपी साहब का, बड़ा बाबू का वो जो सजगता रही है पिछले कुछ दिनों से, ठीक ठाक रहे। समाज के लोगों को भी काफ़ी आपका सपोर्ट मिल रहा है, समाज के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के आपके साथ हैं? देखिए, सवाल समाज के लोग मेरे साथ हैं ऐसी बात नहीं है, समाज के लोग बेटी और इस सवाल एक मानवता की बात है, मेरे साथ होने का सवाल नहीं उठता है। सवाल है उस बेटी का को इंसाफ मिले और बेटियों को एक सुरक्षा मिले उसके साथ। बेटी सबकी होती है, बेटी को किसी एक परिवार में बांध करके नहीं देखा जा सकता है। एक लड़की का बाप होना एक अलग बात है, लेकिन बेटी एक अलग, एक अपने में एक अलग सा शब्द है, इसलिए बेटियों के लिए लोग हैं और बेटी की सुरक्षा मिले इसके लिए लोग। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहाँ पे बेटियों के साथ कुछ ऐसे समाज में कुछ ऐसे दरिंदे लोग आ जाते हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं नाम खराब होता है समाज। सरकार से हम अब यही अपेक्षा रखते हैं कि बेटी बचेगी भी बेटी पढ़ेगी भी जब आप संकल्पित होंगे कि हम बेटी को सुरक्षा देंगे। तो बेटी की सुरक्षा कैसे देंगे ये वो सोचो, कि सुरक्षा एक वातावरण देना ये आम आदमी का काम तो नहीं है, वो चूँकि सत्ता में है, सरकार उनकी है, तो वही सुरक्षा देंगे, उनकी ही व्यवस्था है तो वही दे सकते हैं। आप खुद एक टीचर रह चुके हैं और लोगों को, बच्चे को अच्छे शिक्षा देते हैं साफ तौर पर? जी, उसी शिक्षक के आधार से शिक्षण करते हुए हमने बहुतों को महसूस किया है, कई बार छेड़खानी की समस्या आम हो गई। ये घटना अलग बात है कि इस मुकाम तक आ गई, परंतु भय डर लड़कियों में बहुत भर गया है, तो उसको कैसे दूर करेंगे? आपकी लड़की जो थी वो बताई थी कि मतलब कि ऐसे ऐसे घटना से पहले भी, जो घटना होने से पहले? देखिए, उसकी उम्र महज 14 वर्ष थी और उससे भी बड़ी बात क्या थी कि वो यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि मैं उसका पिता भी हूँ टीचर भी हूँ, तो
तो वहीं पे मैं पढ़ाता था, तो बस एक पिता किट कोचिंग में जाना है, इसके अलावे उसने कभी किसी तरह और रीड भी नहीं की कि कोई हमको पीछा भी कर रहा है, किसी ने किया होगा ये, लेकिन वो रीड नहीं की और हमें नहीं बताई। अगर हुआ भी होगा किसी दिन तो हो सकता है वो सोची होगी कि नॉ मतलब हमको बताई नहीं, ना हमको बताई ना अपनी माँ को कभी बताई। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना। आप जो FIR दर्ज किए उसमें आप नाम दर्ज FIR दर्ज किए या फिर? जी नहीं, नाम दर्ज FIR हमने नहीं की थी, केवल हमने बताया सुबह गई नहीं लौटी। तो तस्वीरें साफ तौर पे है कि हम वैशाली के करनौती गांव में हैं और यहां पर जो मासूम सुप्रिया है उनके पिताजी हैं। 14 सितंबर की जो दिन था उसी दिन कोचिंग के लिए जा रही थी और रास्ते में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के दरिंदे जो थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस फिलहाल इस मामले में अभी आज एक वैशाली से एक दोषी जो है उसकी गिरफ्तारी हालांकि कर ली है। खुद वहां पर SSP मौजूद थे और उन्होंने उस दोषी को हजारों लोग की भीड़ के बीच से उसको यहां से ले गए थाना पे, क्योंकि इतना लोग मौजूद थे क्योंकि उसकी पिटाई भी हुई है वहां पर। आपको बता दें कि जब ग्रामीण उस दोषी को पकड़ा था तो उसको पिटाई जमकर हुई है और जमकर पिटाई होने के बाद ग्रामीण जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाख समझा बुझा कर उसको थाना ले गई है। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर आगे की क्या कार्रवाई करती है। आगे आपको लेके चलते हैं और उस स्पॉट पे लेके चलेंगे जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उस वारदात पर लेके चलते हैं।